बाबा रामदेव के पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए नए आदेश। बाबा रामदेव को राहत या बढ़ गई टेंशन? योग गुरु बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं। पतंजलि वाले मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से माफी तक मांगनी पड़ी है, लेकिन लगता है ये केस इतना उलझा हुआ है जिसकी वजह से उनका कोई भी आसन सही जगह फिट नहीं बैठ रहा। पतंजलि केस में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका पर बाबा रामदेव को आदेश जारी कर दिए हैं। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की याचिका पर क्या आदेश जारी किए हैं? साथ ही सवाल ये भी है कि बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लगाई थी? दरअसल बाबा रामदेव ने कोविड काल के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल करने के खिलाफ कई टिप्पणियां की थी। उन पर एक एक करके कई FIR दर्ज हो चुके थे। योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में एक याचिका डाली, जिसमें ये मांग की गई थी कि सभी FIR को क्लब किया जाए, यानी कि सभी केसेज की सुनवाई एक ही कोर्ट में की जाए। साथ ही उन सभी केसेज को दिल्ली ट्रांसफर करने की ही मांग की गई। बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। उस बेंच में जस्टिस MM सुंदरेश समेत 2 जज थे। सुनवाई के बाद दोनों जजों की बेंच ने बाबा रामदेव को आदेश दिए उन लोगों को भी योग गुरु पार्टी बनाए जिन्होंने इंडिविजुअली उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इस याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख जुलाई में दी। गौरतलब है कि योग गुरु रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार की राजधानी पटना और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चैप्टर ने 2021 में FIR दर्ज कराई थी। अपनी इस याचिका में बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार, बिहार और छत्तीसगढ़ और IMA को पार्टी बनाया था। साथ ही इन सब की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR होने पर होने वाले एक्शन को रोकने की भी मांग की गई थी। इधर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस मामले में पार्टी बनने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का आरोप है कि योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी का अपमान किया, साथ ही देश की जनता को प्रैक्टिकल और प्रोटोकॉल की अवहेलना के लिए अपने बयान के जरिए उकसाया भी। DMA का ये भी दावा है कि उनके संगठन में तकरीबन 15,000 डॉक्टर हैं। सबने दावा किया कि योग गुरु रामदेव ने पतंजलि कंपनी के जरिए कोरोना काल में कोरोनिल किट बेचकर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है, जबकि कोरोनिल किट को किसी भी जिम्मेदार ऑफिसर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था। बता दें कि बाबा रामदेव पर 2 तरह के आरोप लगे हैं। पहला ये कि उनकी तरफ से दावा किया गया था कि उनका प्रोडक्ट न केवल कोरोना बल्कि कुछ और बीमारियों को पूरी तरह से अस्थायी रूप से ठीक कर सकता है। वहीं दूसरा आरोप है कि आधुनिक चिकित्सा और कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने अपमानजनक अभियान चलाया था। DMA के दावे के मुताबिक ये अभियान 2022 में जारी किया गया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।